नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से आपको समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो देखिए, आज की चार बड़ी खबरें पहले आपको बता देते हैं शॉर्ट में और फिर इसे डिटेल में आपको समझाएंगे। तो पहली खबर होगी आरजेडी को नीतीश की याद आखिर क्यों सताती है, याद की बात हमने क्यों की है इसे आपको डिटेल में समझाएंगे। और फिर केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है 177 दिन जेल में रहने के बाद, तो आखिर कौन सी शर्त पर उनको जमानत दी गई है ये आपको डिटेल में समझाएंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे पीएम झारखंड से 6 वंदे भारत की सौगात देने जा रहे हैं, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे कहां कहां से ट्रेन की सौगात मिल रही है। और उसके बाद शराबबंदी में शराब का सफेद पोश कनेक्शन क्या है ये आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ये होगी मुख्य खबरें, लेकिन इसके अलावा और भी खबरें होंगी, आप बस देखते रहिए खबर तो समझिए। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार का वीडियो जारी कर तेजस्वी यादव को उस दावे को सच बताने की कोशिश की है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के सामने गिड़गिड़ाए थे। तेजस्वी के वार पर इधर जेडीयू की ओर से भी पलटवार किया गया, जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर राजनीतिक स्तर को गिराने का आरोप लगाया है। है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए ऐसा। ये तो माफी वीरों के साथ है ही है। नीतीश कुमार को आरजेडी से अलग हुए 7 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन आरजेडी की सुई अब भी नीतीश पर ही अटकी है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर 2022 का एक वीडियो वायरल हुआ, बताने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिले हैं। अब आरजेडी की ओर से ऑफिशियली एक वीडियो जारी किया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से क्षमा मांग रहे हैं। आज का मुख्य विषय है नीतीश कुमार, आप झुके हो, गिड़गिड़ाए हो, माफी मांगे हो, एक बार नहीं अनेकों बार, और आपको संरक्षण राष्ट्रीय जनता दल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरजेडी ने ये वीडियो क्यों जारी किया, तो वो भी जानिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनके पास नीतीश कुमार का गिड़गिड़ाते हुए वीडियो है। इस पर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी। जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना, आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, ये गलत बात है ना, आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक। अब आरजेडी की ओर से वीडियो जारी कर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की गई है। सवाल है कि बिहार में राजनीति का ये कैसा चलन शुरू हुआ है, क्या किसी के अभिवादन पर भी सियासत होगी? अपनों से बड़ों के सामने हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना है, ये तो माफी वीरों के साथ है ही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण। तो बार बार आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है, तो ऐसे में सवाल ये है कि अलग होने के बाद भी आरजेडी के लोगों को नीतीश की याद क्यों सताती है। तो आइए आपको इसको भी समझाते हैं। नीतीश कुमार का 1995 से बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है, बीजेपी से मिलकर ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार को सत्ता से बाहर किया, और इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये समझाने के लिए इसीलिए आपको पीछे ले जा रहे हैं ताकि आप जो पूरी कनेक्टिविटी है इसको आप समझ पाए, आखिर बार बार ये कनेक्शन क्यों सामने आ रहा है। और इसके बाद देखिए, 15 साल के लालू और राबड़ी के शासन को उखाड़ फेंका नीतीश कुमार ने। 2005 के बाद पहला लोकसभा का चुनाव 2009 में, उस समय तक बिहार से उखड़ने के बाद भी संसद में यानी कि लोकसभा में आरजेडी के सांसदों की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन 2009 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और एनडीए ने 40 में से 32 सीटें जीत ली। 2010 की बात करें तो 2010 में भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े और ये इस गठबंधन का चरम काल था। हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि एनडीए के खाते में बिहार विधानसभा की 243 में से 206 सीटें चली आईं। अकेले नीतीश कुमार की पार्टी पूर्ण बहुमत से महज 7 सीट पीछे थी। आरजेडी महज 22 विधायकों वाली पार्टी बनकर के रह गई। लेकिन 2013 में नीतीश का बीजेपी से साथ छूट गया और 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ
महागठबंधन बनाकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन को बिहार की 243 सीटों में से 178 सीट पर जीत मिली और पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए और 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा। तब मोदी और नीतीश की जोड़ी ने ऐसा करिश्मा किया कि एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिल गई। महागठबंधन में कांग्रेस को महज एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला। 2020 में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ा और एनडीए को 125 सीट पर जीत मिली और बिहार में एनडीए की बहुमत वाली सरकार बन गई। 2024 का चुनाव भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ एनडीए के बैनर तले लड़े और एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिली, जिनकी मोदी की तीसरी सरकार बनाने में अहम भूमिका रही। और यानी कि जब जब नीतीश जिस गठबंधन के साथ रहे, जीत उसी की हुई। तो इस तरीके से इस कनेक्शन को आप समझ सकते हैं और ये वीडियो जारी किया गया। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। तो वहीं केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने पर बिहार में भी सियासी बहस तेज हो गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए। केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था। केजरीवाल दिल्ली में जेल से बाहर निकले और सियासत दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में तेज हो गई। साजिश के तहत जो है केस मुकदमा किया गया था, जैसे कि बीजेपी का एक तरीका है, ऑपोजिशन के नेताओं को फंसाओ, उनको डराओ, उनको जेल भेजो। केजरीवाल के जमानत पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा था और कोर्ट ने ही जमानत दी। लोगों को सजा माननीय न्यायालय देती है, संविधान के अंतर्गत बेल भी माननीय न्यायालय देता है, और जब जेल जाते हैं तो शोर मचाते हैं, जब बेल मिलता है तो ढोल बजाते हैं। केजरीवाल की जमानत पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जमानत न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता। अदालती फैसलों पर हमारी पार्टी प्रतिक्रिया नहीं देती है, इस फैसले का सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए। आपको बताएं कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। बीच में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। अब 177 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं शर्तों के साथ जमानत दी है, जिन शर्तों के साथ ईडी वाले केस में जमानत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, दिल्ली से अमितेश सिंह और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। तो अब वो कौन कौन सी 8 शर्तें हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। पहला है, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब ये हुआ कि जब तक कोर्ट का अगला कोई आदेश नहीं आता है, तब तक जमानत पर रहने के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जाएंगे। दूसरा, किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं कर पाएंगे, इसकी इजाजत नहीं दी गई है। मतलब जमानत मिली है लेकिन किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने का अधिकार उनको नहीं है। तीसरा है, किसी केस से जुड़ा हुआ कोई भी सार्वजनिक बयान वो नहीं दे सकते हैं, यानी कि बयान के जरिए माहौल बनाने की इजाजत भी उनको नहीं दी गई है। कोई भी बयान वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकते हैं। चौथा है, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड, ये उनको भरना होगा। ये शर्त थी उनके लिए, जिसको भरने के बाद ही केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ पाए हैं। इसके बाद पांचवा है, जांच में बाधा डालने की कोशिश वो नहीं करेंगे। मतलब शराब घोटाला केस की जांच में किसी भी तरह की बाधा केजरीवाल की तरफ से नहीं डालनी चाहिए। और छठा है, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए उनके तरफ से। विरोधी अक्सर इस तरीके के आरोप लगाते हैं और यही वजह है कि कोर्ट ने ये शर्त रख दिया कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे केजरीवाल। सातवां है,
जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, मतलब जब भी जरूरी होगा तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा केजरीवाल को। किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा। और आठवां है, जांच में सहयोग करेंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब ये हुआ कि जांच चल रही है, उसमें एजेंसियों को सहयोग करना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल की जब भी जरूरत पड़ेगी कोर्ट में उनको पेश होना होगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। पीएम यहां पर 3 कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2 किलोमीटर तक रोड शो भी करेंगे। रोड शो के कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। रोड शो को लेकर के एसपीजी की टीम और अधिकारियों ने पूरे रोड का निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती से देश को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। दुमका में वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल ट्रायल पूरा हो गया है, जिसको 15 सितंबर को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 15 सितंबर को ही झारखंड की धरती से देश को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। टाटा पटना वंदे भारत, ये ट्रेन टाटा से पटना के बीच चलेगी, जिसकी वजह से टाटा पटना आने जाने वाले लोगों का जो समय है वो बचेगा। टाटा पटना वंदे भारत जो है ट्रेन है वो सुबह 5:30 पर रवाना होगी और 12:45 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। तो वहीं वापसी में ये ट्रेन 2:15 पर पटना से खुलेगी और रात के 9:30 टाटा पहुंचेगी, यानी कि करीब 7.25 घंटे में टाटा से पटना का सफर तय हो जाएगा। और देखिए दूसरी ट्रेन है वाराणसी देवघर वंदे भारत। वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सुबह 6:20 पर खुल करके सासाराम, गया, नवादा, कियूल और जसीडीह होते हुए 1:40 पर देवघर पहुंचेगी। मतलब 7.25 घंटे में वाराणसी से देवघर का सफर पूरा हो जाएगा। फिर देखिए टाटानगर बरमपुर वंदे भारत। टाटानगर बरमपुर वंदे भारत ट्रेन बरमपुर से सुबह 5:15 पर खुलेकर दोपहर के 2:20 पर टाटानगर पहुंचेगी और टाटानगर से 2:50 पर रवाना होगी। इसके अलावा चौथी ट्रेन है हावड़ा धनबाद गया वंदे भारत ट्रेन। ये ट्रेन सुबह 6:50 पर हावड़ा से चलेगी और 9:43 पर धनबाद और दोपहर 12:30 के करीब गया जंक्शन पहुंच जाएगी। हावड़ा टाटानगर राउरकेला वंदे भारत, ये ट्रेन सुबह 6:00 हावड़ा से रवाना होगी। टाटानगर सुबह 9:15 पर पहुंचेगी और 11:50 पर राउरकेला पहुंच जाएगी। और छठी ट्रेन है भागलपुर दुमका हावड़ा वंदे भारत, जिसे भी पीएम हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ये जो ट्रेन है भागलपुर से हावड़ा का सफर केवल 6 घंटे में पूरा करेगी। तो इससे न केवल यात्रा का समय बचेगा बल्कि यात्री भी अधिक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा कर पाएंगे। तो 17 सितंबर से शुक्रवार को छोड़कर के ये ट्रेन जो है रोज भागलपुर से हावड़ा जाएगी। तो इन ट्रेनों के शुरू हो जाने से लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर एक बार फिर बयान देते हुए ये कह दिया कि सफेद पोष रात में शराब पीते हैं तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन गरीब अगर पीते हैं तो पकड़े जाते हैं। मांझी ने नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा की एक बार फिर मांग की है। मांझी के बयान के बाद एक बार फिर शराबबंदी पर नई बहस छिड़ गई है। बिहार में सफेद पोष शराब पीते हैं, ये बयान काफी चर्चा में है। नहीं पका रहा है पीता है वो पकड़ा जाता है, आशे पीता है वो पकड़ा जाता है, थाने में दरोगा पीता है। क्या बिहार में सफेद पोष शराबबंदी में भी शराब पीते हैं? ये बहस छिड़ गई है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के उस बयान के बाद, जिसमें मांझी ने दावा किया है कि सफेदपोश लोग हर रात शराब पीते हैं और पकड़े नहीं जाते। कि हम सभी सफेदपोश रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को अच्छा बताते हुए भी एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांझी कहते हैं कि गरीब लोग पाव भर शराब भी पी रहे हैं तो उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया जाता है और दूसरी ओर लाखों लीटर की तस्करी करने वालों को छोड़ दिया जा रहा है। मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से एक बार फिर शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की है।
कि हम सभी सपोर्ट पियोस रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी है, वो चौथी समीक्षा करें। मांझी के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी कानून को लागू करने में एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल है। मुझे मेरा मानना है कि सरकार संरक्षित शराब बिहार में मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना सरकार की प्राथमिकता है, सरकार हर गड़बड़ी पर कार्रवाई करती है। अगर माननीय मांझी जी ने कोई बात कही है तो सरकार उसको पूरी गंभीरता से लेगी। बिहार की सरकार का सिर्फ एक ध्येय है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना। और रही बात कार्रवाई की, तो बिहार की प्रशासन कोई जात देखकर धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। बता दें कि मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने भी हाल में ये माना था कि बिहार में शराब तस्कर एससी एसटी वर्ग के गरीब लोगों को लालच देकर शराब की होम डिलीवरी कराते हैं। अब जीतन राम मांझी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। सवाल है कि शराब के सफेदपोश बच जाते हैं और गरीब फंस जाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आसर पीता है वो पकड़ाता है, थाने में दरोगा पीता है। शराबबंदी में शराब का सफेदपोश कनेक्शन क्या है, आइए आपको समझाते हैं। जीतन राम मांझी शराबबंदी पर खुल करके हमेशा से वो बोलते रहे हैं। मांझी ने कहा था कि शराबबंदी से दलित वर्ग के लोगों को नुकसान होता है, शराबबंदी में सबसे ज्यादा गरीब लोग जेल गए हैं, मांझी ने ये कहा है। और यही नहीं, जीतन राम मांझी थोड़ी थोड़ी पीने की छूट देने की मांग कर चुके हैं। अब एक बार फिर जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि सफेद पोश लोग रात में पीते हैं और बच जाते हैं, जबकि गरीब लोग पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि पीते तो कई उच्च वर्ग के लोग हैं, लेकिन वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़े वो लोग जाते हैं जो गरीब हैं, उन पर शिकंजा कसा जाता है, उन पर कार्रवाई हो जाती है। यही नहीं, शराब तस्कर छूट जाते हैं और गरीब आदमी पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या शराबबंदी में भी सफेदपोश लोग बिहार में शराब पीते हैं, यह सवाल उठ रहा है। इसके बाद क्योंकि बहुत बड़ा बयान दिया है जीतन राम मांझी ने, और इसके बाद यह सवाल उठना बेहद लाजमी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आईपीएस अफसर का तबादला। बिहार में 9 आईपीएस अफसर का तबादला हुआ। बता दें आपको, पंकज दारात बने एटीएस के एडीजी, सुनील कुमार बने अपर एडीजी विशेष शाखा, पारस नाथ बने सीआईडी के एडीजी, एमआर नायक बने बीएसएपी के एडीजी, एस रविंद्रन को राजगीर खेल अकादमी का प्रभार दिया गया, कमल किशोर सिंह बने एडीजी बजट अपील कल्याण। तो 9 आईपीएस अफसर का तबादला हुआ। आपको बता दें कि आईपीएस अफसर के तबादले की खबर सामने आ रही है, इससे पहले भी आईपीएस अफसरों के तबादले की खबर सामने आ चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।